नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो पर बात करेंगे फेसबुक का इनस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के न्यू क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, दो दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि भाई फेसबुक को इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए अब आपको 10,000 फॉलोवर्स और टोटल 6,00,000 एलिजिबल मिनट व्यू की जरूरत नहीं है। अब आप 5,000 फॉलोवर्स और 60,000 एलिजिबल मिनट व्यू के साथ भी अपने फेसबुक को पेज या प्रोफाइल को इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज करा सकते हो। बट मैंने उस वीडियो में कहीं पर यह नहीं बोला था कि यह नया अपडेट, मैंने दो कंडीशन रखी थी कि ये नया अपडेट भी हो सकता है या फिर ग्लिच और बग भी हो सकता है, क्योंकि फेसबुक की ओर से कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं हुआ है, ना ही किसी सोशल मीडिया हैंडल पर ये अनाउंस किया गया है, और मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी भी 10,000 फॉलोवर्स और 6,00,000 टोटल एलिजिबल मिनट व्यू ही शो कर रहा है। लेकिन भाई जनता सबूत मांगती है। यूजर्स का सवाल था कि भाई कोई ऐसा पेज या प्रोफाइल दिखाओ जो 5,000 फॉलोवर्स पर इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो रहा हो, तभी हमें होगा। तो आज यही करेंगे। लाइव ग्रुप आपको दिखाने वाला हूं 5,000 फॉलोवर्स पर अब फेसबुक इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो रहा है। जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक देखो। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं आपको सोशल मीडिया पर अपडेट रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आपको दिखा दूं मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक 10,000 फॉलोवर्स और टोटल 6,00,000 मिनट के लिए 6,00,000 एलिजिबल मिनट व्यू के लिए ही बोला जा रहा है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। हालांकि आप क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करके देखोगे तो पर आपको 5,000 फॉलोवर्स 60,000 एलिजिबल मिनट व्यू के लिए ही बोला जा रहा है। कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनको अभी भी ओल्ड वाला क्राइटेरिया 10,000 6,00,000 वाला मिल रहा है, बट कुछ पेजेस पर 5,000 और 60,000 का देखने को मिल रहा है। अगर बात करें प्रोफाइल की तो प्रोफाइल पर भी अभी भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं मेटा फॉर क्रिएटर सर्च करके, ताकि अभी भी आपको यकीन हो जाए कि क्या कुछ अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो मेटा फॉर क्रिएटर्स आपको सर्च करना है, प्रोफाइल को कैसे चेक करना है वो आप समझ जाओगे अगर जिसको नहीं पता है। देन यहां पर आपको जो है सी रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यही भी अभी भी 5,000 फॉलोवर्स और टोटल 60,000 एलिजिबल मिनट व्यू के लिए बोला जा रहा है, यानी कि न्यू क्राइटेरिया फेसबुक प्रोफाइल पर भी लागू हो चुका है। अब बात कर लेते हैं प्रूफ पे, क्या कोई ऐसा प्रूफ है, क्या कोई ऐसा पेज या प्रोफाइल है जो 5,000 फॉलोवर्स पर इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो रहा है। तो यार पिछले 2-3 दिनों से मैं इसी पर लगा हुआ था। कोई ऐसा मुझे पेज चाहिए था, प्रोफाइल चाहिए था जो कि 5,000 फॉलोवर्स के आसपास हो, जो क्राइटेरिया मैच कर गया हो और मोनेटाइज हो रहा हो। बट जो भी मैंने पेजेस देखे वो ऑलमोस्ट मोनेटाइज थे या फिर कोई ऐसे पेजेस थे जो कि 1,000 के करीब कुछ थे, यानी कि 5,000 के कहीं आसपास भी नहीं थे। लेकिन फाइनली कल मैं कमेंट रेड कर रहा था तो एक कमेंट मुझे ऐसा देखने को मिला जहां पर एक सर जी ने बताया कि भाई जी मेरा आज ही फेसबुक इनस्ट्रीम एड से मोनेटा ऑप्शन मिला है मोनेटाइज करने का और मेरे फॉलोवर्स है 6,657। यार मेरे को तो खुशी हुई कि भाई ऑलरेडी मोनेटाइज का ऑप्शन मिला है तो मोनेटाइज हो सकता है। मैंने रिप्लाई करते हुए लिखा कि भाई इनेबल कर लो, अगर इनेबल होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम जरूर करो ताकि मुझे पता चल सके कि मोनेटाइज हो रहा है या फिर नहीं न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज भी किया, उन्होंने कुछ मुझे प्रूफ भी दिए जो कि उनका ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है। आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैं आपको सारे प्रूफ दे रहा हूं, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जिनका उनका मोनेटाइज ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले तो आप यहां पर देख लो इनके फॉलोवर्स कितने हैं। तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट के अंदर आप इनके फॉलोवर्स देख सकते हो, 6,654 फॉलोवर्स है, यानी कि ओल्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यह पेज एलिजिबल नहीं है, बट न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 5,000 फॉलोवर्स प्लस है तो यह पेज मोनेटाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहां पर इनका मोनेटाइजेशन टैब के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इनस्ट्रीम एड अवेलेबल हो चुका है। अब अवेलेबल हुआ तो मोनेटाइज हो रहा है या फिर नहीं, तो यही आप लोग देख सकते हो कि यही पेज इनस्ट्रीम एड से सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है, यानी कि न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यह फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो गया है, जो कि लाइव प्रूफ में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। हालांकि अभी तक फेसबुक ने ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही कोई वेबसाइट पर अपडेट किया है कि हम अभी ये सबका कर ही देंगे, बट ये पेज मोनेटाइज हो रहा है। तो समझने में अब यही आ रहा है कि भाई ये मे बी न्यू क्राइटेरिया आप सभी के लिए लागू किया जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि फेसबुक ने ऑफिशियल नहीं बोला है तो मैं श्योर नहीं हो सकता। बट जो देखने को मिला था पेज मोनेटाइज हो रहा है तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी हमें इंतजार करना होगा जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। बट पेज प्रोफाइल मोनेटाइज हो रहे हैं 5,000 फॉलोवर्स पर न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो कि आपने लाइव प्रूफ के साथ देख लिया। अब जिनको 10,000 देखने को मिल रहा है तो जब ये सभी के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा तो सभी के लिए अगर न्यू कोई अपडेट होगा तो सभी के लिए ये नया क्राइटेरिया 5,000 फॉलोवर्स और 60,000 एलिजिबल मिनट व्यू सबके लिए कर दिया जाएगा। फिलहाल न्यू अपडेट हो सकता है तो मे बी टेस्टिंग पर होगा, इसलिए किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो भी जिनके भी अभी 10,000 फॉलोवर्स और 6,00,000 एलिजिबल मिनट व्यू जो कंप्लीट कर चुके हैं उनका भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा। तो इसका क्या चक्कर है मैं आपको दिखाता हूं। देखो जो भी कंप्लीट फुलफिल क्राइटेरिया कर लेता है बट स्टिल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मोनेटाइज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो भाई आपके
पेज पर आपका पेज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के बाद भी कुछ क्राइटेरिया है कि जो कि आपको फेसबुक की पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। आपका पेज या प्रोफाइल साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी तरह का कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन स्ट्राइक या कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी आपको इंस्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो भी जब तक कोई स्ट्राइक रहेगा, वायलेशन रहेगा, आप क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद भी मोनेटाइज नहीं करा सकते हो। आई होप आप सारी चीजें अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहां तक देखा। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट पर जरूर बताओ। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।